25 इन जीके ओनली। अच्छा ओवरऑल 60। अरे बहुत सारी यूट्यूब में पढ़ते तो यूट्यूब के अकॉर्डिंग हेल्प मिला जिस तरीके से पेपर? नहीं यूट्यूब से तो नहीं, हमने पढ़ा से 3 ईडियम्स थे, एक वन वर्ड्स था और 2 सिनोनियम 2 एंटोनियम्स। जी हाँ करंट के ज़्यादातर करंट के मैथ्स में चक्रवर्ती ब्याज के आए थे, अंकित मूल के आए थे। और क्या मतलब वोकैब वगैरह? हाँ वोकैब आए थे और एंटोनिम्स आए थे उसमें, और सिनोनिम्स तो नहीं आए थे, और ईडियम्स आए थे काफ़ी। पैसेज नहीं आया था, केवल वो आया था फिल करने के लिए, आता है ना कि लास्ट में आता है पैसेज दिया तो उसमें फिल करने होते हैं, वो आया था। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन था? ज्योग्राफी से तो नहीं था, नहीं था, पॉलिटी से था। अच्छा पेपर आपको कैसा लगा, लेवल सिंपल था या कठिन था? पेपर तो सही था, पेपर तो सही था, अगर बच्चे ने पढ़ा तो अच्छे से कर ले जाएगा, जो बच्चे ने पढ़ा अच्छे से कर ले जाएगा। हाँ आपको पेपर सरल लगा? हाँ पेपर अच्छा था, हाँ पेपर तो अच्छा। प्रीवियस ईयर पेपर अकॉर्डिंग आपने तैयारी की होगी तो प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा पैटर्न? हाँ बहुत सारी यूट्यूब में पढ़ते तो यूट्यूब के अकॉर्डिंग हेल्प मिला जिस तरीके से पेपर? नहीं यूट्यूब से तो नहीं, हमने पढ़ा लेकिन हमने कोचिंग में पढ़ी है, कोचिंग में पढ़ी है, सर के अकॉर्डिंग मिला। सर के पॉलिटिक्स पॉलिटी तो पूरी पूरी हो गई। हाँ जी काफ़ी अच्छा लेवल आ रहा है, पिछली बार से काफ़ी टफ था। कोई क्वेश्चन वगैरह याद है जीएसजी के वगैरह का कुछ? जी हाँ करंट वगैरह कैसे कुछ? जी हाँ करंट के ज़्यादातर करंट के हाल ही में जो हम लोगों के मोदी के द्वारा जो संस्थान खोले गए हैं या फिर विदेश गए योजनाएं चली हैं उनके थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन आए। अच्छा बुक्स वगैरह ऑथर्स वगैरह क्वेश्चन थे कोई? हाँ हाँ ऑथर्स के भी थे, जैसे कि अभी अभी कुछ समय पहले स्टेडियम खोला गया है यूनेस्को में, उसके थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अच्छा ये बताएं मैथ में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस लेवल आ रहा है किस तरीके से? मैथ में ज़्यादातर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम में रीजनिंग वगैरह? हाँ। से क्वेश्चन रीजनिंग में टाइम टेकिंग क्वेश्चन बहुत थे। टाइम टेकिंग जी हाँ। तो मतलब टाइम टेकिंग कौन से टॉपिक से ज़्यादा? ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। तो आपका पेपर 75 अटेम्प्ट? जी सर अटेम्प्ट। इससे पहले भी एग्जाम दिया होगा ना? जी नहीं ये पहला अटेम्प्ट। प्रीवियस पेपर प्रीवियस अकॉर्डिंग कुछ है पैटर्न पेपर में? जी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लेवल बना रहे हैं अब, मतलब कि इतना टाइम टेकन बना रहे हैं कि एक घंटे का पेपर लगता ही नहीं कि एक घंटे में कर, एक घंटे में मतलब कैलकुलेशन बेड पे पेपर दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मैथ तो बहुत सिंपल आ रही है, बच्चे बता रहे हैं मैथ का चार कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग में ही क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है किस तरह का पेपर आ रहा है? जीएस लगभग आ रही थी वही जो करंट अफेयर्स थी तुम्हारी 2021 से रिलेटेड आ रही थी। 2021 से रिलेटेड। और रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग तो सरल थी। सरल थी। और इंग्लिश? इंग्लिश भी अच्छी थी। वोकैब वगैरह कुछ याद है कौन सा वर्ड? वोकैब इनकरेक्टली मीनिंग पूछी गई थी। हाँ और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था, मतलब ग्रामर पोर्शन कॉमन एरर पी क्यू आर एस सारे क्वेश्चन थे। कितना टाइम किया हमने? 70 तो मैथ वगैरह कुछ किस तरीके से आ रहे लेवल? मैथ अच्छी थी। अच्छी थी। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 70 कोई क्वेश्चन वगैरह याद है कुछ आपको? मुझे नहीं याद, मतलब भूल गए। आपने कितना किया? मैं 70 किए। 75 किए? 70 70 हमने, मतलब एवरेज रेटिंग निकालते हैं 70 के माइनस मार्किंग 0.50 के माइनस मार्किंग 0.5 इन जीके ओनली। अच्छा ओवरऑल 60 प्लस हमने यानी 25 ओवरऑल किए। पेपर दे रहे हो सर? फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर दे रहे हो? यस सर। डीसी मतलब देखा होगा तैयारी वगैरह की किस तरीके से पेपर लेवल है? सर ऑनलाइन प्रिपरेशन रही थी मेरी, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब एंड ऑल सारे क्वेश्चन मिले देख दो। यस डेट टू डेट नहीं मिले कुछ कुछ, मतलब फंसे कुछ नहीं फंसे। कहाँ से आए? कानपुर से लोकल। यस लोकल। पेपर मतलब मैथ कैसे क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है? जी जी के मैथ तो बिल्कुल नहीं याद है। मैथ टोटल तो 60 बताया, तो 60 बताया, बहुत कम कर पाए थे, सिलेक्शन भी नहीं होगा। अरे हो जाएगा सर, हो जाएगा तेरे, ऐसे हो जाएगा, कटा भी नहीं क्वालिफाई कर पाए सर। हो सकता है मतलब अगर अटेम्प्ट किया तो कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हैं ना? कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। यस। और रीजनिंग भी थोड़ी सही है, जीएस तो भी टफ आ रही है। क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है? जीएस का एक क्वेश्चन आया था करंट का ही, जो अभी जो मिले हैं आपके जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड किन लोगों को मिले हैं? तो 12 लोगों को मिले हैं ये। अच्छा अच्छा मतलब बेसिक से आ रहा है। हाँ बेसिक से आ रहा है। जीएस थोड़ी टफ मान लो, इंग्लिश मॉडरेट है। इंग्लिश मॉडरेट। हाँ और मैथ का लेवल ठीक है, मैथ इजी है, इजी मान लो, प्रैक्टिस करिए वो आराम से कर लेगा। और रीजनिंग भी सही है, थोड़े वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो इमेज एरर वाले और जो प्लस माइनस वाले आते हैं ना, उनको सिक्वेंस करिए। हाँ वो वाले आ रहे हैं, वो वाले आ रहे हैं। हाँ एनोलॉजी वगैरह क्वेश्चन थे वगैरह? हाँ एनोलॉजी से थे भी। अच्छा इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन वगैरह आ रहा है? ईडियम फ्रेज वगैरह? हाँ ईडियम फ्रेज करिए करिए, ईडियम्स थे 2 से 3 ईडियम्स थे, एक वन वर्ड्स था और 2 सिनोनियम 2 एंटोनियम्स और एक डायरेक्ट एक्टिव ऐसे, वो तो जो पहले वाला सिक्वेंस है वही। करंट के क्वेश्चन करीब 3-4 करंट क्वेश्चन थे और
एक वो भी आया था अर्पिता चौरसिया किससे संबंधित हैं, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन सर थोड़े एक दो बायोलॉजी के भी क्वेश्चन थे, और आपका एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कोबाल्ट जो है कौन से समूह में आता है। मतलब आपने अच्छे से स्टडी की है, लग रहा है आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। देखते हैं पता चलता है।